यूएसए की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंफर्म किया है कि 2030 तक इंसान मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह पर रहने लगेगा। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि लोग अपने लिए मंगल ग्रह पर जगह खरीद रहे हैं। आप चाहे तो मंगल ग्रह पर प्लॉट खरीद सकते हो। buymars.com नाम की एक वेबसाइट पर वहाँ के प्लॉट बिक रहे हैं। नासा ने 9 अक्टूबर 2015 को इस बात की अनाउंसमेंट भी की और इस मार्स प्रोजेक्ट के प्लान को डिटेल में अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। अगले कई सालों तक नासा कई ऐसे मिशंस को पूरा करेगा जिससे इंसान इस पृथ्वी के बाहर भी रह सके। अपने इस मार्स मिशन को नासा ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्थ रेलियंट, प्रूविंग ग्राउंड और अर्थ इंडिपेंडेंट। हम इस वीडियो में नासा के तीनों प्लान्स के बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह मंगल ग्रह पे बिना किसी परेशानी के इंसान रह सकता है। सबसे पहला स्टेज है अर्थ रिलायंट, जिस पर काम शुरू हो चुका है। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई रिसर्चेस कर रहा है जिसमें शुरुआत की जरूरतों पर काम किया जा रहा है। एस्ट्रोनॉट्स इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह इंसान ज्यादा देर तक स्पेस जाने के अंतरिक्ष में रह सकता है और इंसान की बॉडी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर ज्यादा देर तक स्पेस में रहने से इंसान के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्लान में इन्हीं सब प्रॉब्लम्स पर काम किया जा रहा है। नासा के पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है उससे लगभग 150 दिन लग जाएंगे धरती से मंगल ग्रह तक जाने में, पर नासा इस चीज पर भी काम कर रही है ताकि वहां कम समय में पहुंचा जा सके। इसके बाद के स्टेज को नासा ने नाम दिया है प्रूविंग ग्राउंड। इस स्टेज में चांद के पास वाले जगह में जिसे सिसलूनर स्पेस कहते हैं वहाँ कई सारे मिशन को पूरा किया जाएगा। इन सभी मिशंस का एम होगा इस बात का पता लगाना कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मंगल ग्रह पर रहने और काम करने के लिए। इन सभी मिशंस में सबसे पहले नासा ओरियन नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को चांद से हजारों मील दूर अंधेरे अंतरिक्ष में लगभग 21 दिनों के लिए भेजेगा। फिर कुछ एस्ट्रोनॉट्स उस ओरियन नाम के स्पेसक्राफ्ट पर जाएंगे जो चांद से हजारों मील दूर है ताकि वे कई और छोटे मिशंस को वहां पूरा कर सके। इसके बाद सबसे आखिरी स्टेज है अर्थ इंडिपेंडेंट, जिसके नाम से ही हम ये समझ सकते हैं कि इस स्टेज में इंसान पूरी तरह से मंगल ग्रह पर रहने लगेगा, वो भी पृथ्वी से बिना मदद लिए। इस स्टेज के शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर लैंड करेंगे यानी के वहां पर उतरेंगे और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें कुछ ऐसे मिशंस भी है जिसमें इस बात का पता लगाया जाएगा कि किस तरह मंगल ग्रह की चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2030 तक नासा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा और पूरी तरह से मंगल ग्रह पर निर्भर रहने की कोशिश करेगा। अगर ये सभी मिशंस टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं तो इंसान 2030 तक मंगल ग्रह पर रहने लगेगा। इन सभी चीजों से एक और कॉन्सेप्ट भी पैदा होता है। आपको तो ये बात पता ही होगा कि एलियंस उसे कहते हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। अगर हम मंगल ग्रह पर जाने में सक्सेसफुल होते हैं तो इससे ये बात सामने आएगी कि इंसान भी मंगल ग्रह पर एलियन ही माना जाएगा, क्योंकि हम पृथ्वी से मंगल ग्रह पर रहने के लिए गए। कई थ्योरीज ऐसी भी है जो ये कहती है कि इंसान किसी और ग्रह से धरती पर रहने के लिए आया था और फिर वो यहीं बस गया। इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस हमेशा अपलोड होती है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।